नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज से जुड़ी हर खबरें। और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस की खास खबरें। नेहा नीरज खरे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की मादक सदस्य नामित हुई। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान में नदी गाँव निवासिनी प्रसिद्ध सोशल एक्टिविस्ट नेहा नीरज खरे को मानद सदस्य के रूप में नामित किया गया है। बीते बुधवार को साहित्य संस्थान में नवीन सदस्यों की सूची जारी करते हुए घोषणा की, जिसमें जिला जालौन की नदीगांव निवासिनी प्रसिद्ध समाज सेविका नेहा नीरज खरे को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान लखनऊ में मानद सदस्य के रूप में नामित किया गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान में साहित्य की सेवा के लिए जालौन जिले से पहली बार किसी सदस्य को नामित किया गया है। संस्थान के अध्यक्ष सीनियर IAS डॉ. अखिलेश मिश्रा, महामंत्री डॉ. सीमा गुप्ता द्वारा जारी की गई नवीन सदस्यों की सूची में जनपद समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के चुनिंदा साहित्यकारों के नाम शामिल हैं। संस्थान से सूची जारी होने के बाद जैसे ही नेहा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी को उक्त बात से अवगत कराया, बधाइयों का तांता लग गया। इसके साथ साथ जिले के साहित्यकारों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि नेहा पर्यावरण जल संरक्षण कार्यों के साथ साथ साहित्यिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहती हैं। पूर्व में भी नेहा नीरज खरे को उनकी समाज सेवा के लिए यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री सहित कई ऊंची हस्तियों द्वारा समय समय पर विशिष्ट सम्मान दिए जा चुके हैं। तो ये थी लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल की कुछ खास खबरें। इसी तरह चुनिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल।